गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को मैथ में ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल टू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ग्रेटर देन किसे कहते हैं? ग्रेटर देन यानी बड़ा, और लेस देन छोटा, एंड मतलब और इक्वल टू, इक्वल टू यानी बराबर। इक्वल टू मीन्स क्या होता है? बराबर। तो ग्रेटर देन का साइन होगा ऐसे, देखना इधर से मुंह खुला हुआ है इसका, और लेस देन का ऐसे, इसमें इधर से मुंह खुला हुआ है। इक्वल टू का क्या होता है? ये बराबर, ये दोनों जो लाइन है वो बराबर हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू। तो ग्रेटर देन में इस तरफ मुंह खुला रहेगा और लेस देन में इधर मुंह खुला रहेगा, और इक्वल टू में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन यानी बड़ा और लेस देन छोटा, इक्वल टू बराबर। तो इधर जो भी ये नंबर होगा वो बड़ा होगा, और लेस देन में इधर का जो नंबर है वो बड़ा और इधर का नंबर छोटा होगा। तो देखिए हम नीचे बताते हैं, नीचे कैसे है, नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बताते हैं। ये है ग्रेटर देन का साइन है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बुक्स हैं? 1 2 3 बुक्स हैं। यहाँ पे कितने पेंसिल हैं? 1 2 पेंसिल हैं। तो क्या है ये? दीज आर 3 बुक्स, दीज आर 2 पेंसिल, यानी ये 3 बुक और ये 2 पेंसिल। तो यहाँ पे फिर नीचे क्या है? देयर आर मोर बुक्स देन पेंसिल, और 3 बुक्स आर मोर देन 2 पेंसिल, यानी कि ये 3 बुक और 2 पेंसिल है, तो इस 3 और 2 में कौन बड़ा हो गया? तो 3 और 2 में बड़ा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा और 2 कम हो जाएगा, तो 3 हो गया बड़ा, 3 ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा तो 3 है, तो 3 ज़्यादा हो गया और ये 2 कम हो गया। तो वही है, 3 इज ग्रेटर देन 2, वी राइट इट एज 3 ग्रेटर देन 2, यानी 3 बड़ा है 2 से, 2 से कौन बड़ा है? 3। तो देख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो वो ये साइन लगाने पे समझ में आ जाता है कि 3 बड़ा है, 2 नहीं बड़ा है। अगर हम इस साइड साइन लगाते तो ये इधर का नंबर हो जाता बड़ा। फिर अब नीचे देखो, नीचे क्या है? द साइन ग्रेटर देन मीन्स इज ग्रेटर देन, यानी कि साइन क्या चीज़ का है? ग्रेटर देन का है। तो नीचे आप ग्रेटर देन जो ये नंबर सब लिखा हुआ है उसको हम देखेंगे। तो नीचे क्या है? एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, तो ये कुल्हाड़ी है। इधर कितना है? कितना एक्स है? 1 2 3, इधर 1 2, तो 3x और 2x, 3 और 2 में कौन बड़ा होगा? 3, ये पहले भी आपको ऊपर बता चुके हैं। तो इधर हम इधर ये साइन लगाएंगे, ये हो गया ग्रेटर देन। इधर क्या है? 2, और इधर क्या है? 1, तो 1 2 कॉक और 1 कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा होता है ना, 1 2 कॉक और 1 कॉक, तो 2 और 1 में कौन सा बड़ा हो गया? 2 बड़ा हो गया, तो इसलिए 2 ग्रेटर देन 1। देख रहे हैं यहाँ पे है फिश है, ये फिश है, तो कितने फिश हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 और 4 में कौन बड़ा हो गया? 5 और 4 में कौन सा बड़ा हो गया? 5 ज़्यादा है तो इसलिए 5 बड़ा होगा, और 4 कम है तो इसलिए 4 छोटा होगा। तो ये क्या हो गया? 5 ग्रेटर देन 4, 5 ग्रेटर देन 4। इधर देखिए, ये आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आइसक्रीम है? 1 2 3, तो ये ज़्यादा है, 4 है इसलिए ये ज़्यादा है, और ये 3 है इसलिए कम है, तो 4 ग्रेटर देन 3। ये समझ गए आप लोग ग्रेटर देन। अब नीचे क्या है? लेस देन यानी छोटा, लेस देन यानी छोटा। तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4, कितने बस हैं? 4। यहाँ पे कार कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जो है, तो 5 से कम क्या होता है? 4। 5 से कम क्या होगा? 4। 5 हो गया ज़्यादा और 4 हो गया कम, तो इसलिए हम
यहाँ पे लिखेंगे लेस देन यानी कि कम। तो लेस देन का साइन देख रहे हैं आप किस तरह से है, तो लेस देन ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इस पेज में, दूसरे पेज में देखिए, यहाँ पे है दीज आर लेस बसेज देन कार, फोर बसेज और फोर बसेज आर लेस देन फाइव कार्स, यानी कि फोर बस है और फाइव कार है, तो लेस देन क्या हो गया फोर लेस देन फाइव, फोर इज लेस देन फाइव, वी राइट इट एज फोर लेस देन फाइव। तो इस तरह से हो गया। अब नीचे देखिए क्या है, यहाँ पे की है और यहाँ पे क्या है काइट, तो की कितना है 1 2 3 4, काइट कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फाइव है, तो फाइव बड़ा हो गया और ये की छोटा हो गया, ये की छोटा हो गया क्योंकि ये फोर है और ये कितने हैं फाइव, तो फोर लेस देन फाइव। यहाँ पे कितने कैप हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो फोर कैप और थ्री कैप, तो क्या हो गया थ्री लेस देन फोर, यानी फोर से कम कौन है थ्री है। यहाँ पे कितने फोर्क हैं 2 1 2, और यहाँ पे 1 2 3, तो टू लेस देन थ्री, यानी थ्री टू से ज़्यादा थ्री है, तो इसलिए क्या हो गया टू लेस देन थ्री हो गया। यहाँ पे कितने गिटार हैं 1 और यहाँ पे 1 2, तो 1 लेस देन 2 क्या हो गया 1 लेस देन 2, तो ये आपका लेस देन हो गया। कैसे कम और ज़्यादा ये आपको मैं बता दी। अब बता रही हूँ इक्वल टू, यानी बराबर 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 नंबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो दीज आर सिक्स बुक्स और दीज आर सिक्स पेंसिल, यहाँ पे सिक्स बुक भी है और सिक्स पेंसिल भी है, तो क्या है इक्वल टू, क्या हो गया इक्वल टू, सिक्स बुक्स आर इक्वल टू सिक्स पेंसिल, यानी सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, वी राइट इट एज सिक्स इक्वल टू सिक्स, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर है तो इसलिए हम इसको इक्वल टू बोलेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन बता ही दिए हैं, मीन्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देख लीजिए थ्री पैरोट और थ्री पैरोट, तो ये वर्ड है वो भी थ्री हैं और ये पैरोट जो है वो भी थ्री हैं, तो ये क्या हो गया थ्री थ्री, यानी दोनों बराबर हो गए इक्वल टू हो गए, ये साइन लगाएंगे और इक्वल टू हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पिजन और 5 पिजन, तो 5 5 क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर है इसलिए 5 इक्वल टू 5 होगा। यहाँ पे 2 स्टार और 2 स्टार क्या हो गया दोनों बराबर हो गया, इसलिए ये इक्वल टू होगा 2 इक्वल टू 2। यहाँ पे कितने अम्ब्रेला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इक्वल टू 4, तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे 3 इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 5, 2 इक्वल टू 2 और 4 इक्वल टू 4, तो ये सब सारे जो आपके हैं ग्रेटर देन लेस देन, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ, आप लोग इसको देखिए और समझिए और फिर आगे मैं आगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज मैं इतना ही बता रही हूँ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, इसको आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख के समझेंगे। थैंक यू।